अपनी चालबाज हरकतों से रास नहीं आ रहा चीन। 16वें दौर की मीटिंग के बाद भी अपनी चालबाजी के लक्षण दिखाने लगा चीन। अरुणाचल से लेकर डोकलाम तक लद्दाख में भारत और चीन के बीच हुई झड़प, जिसके बाद भारत ने कर दिया ऐसा घातक विमान तैयार कि चीन के सैनिक अपने बिल में जाकर छुप गए हैं। जी हाँ दोस्तों, एलएसी बॉर्डर पर हुई कई झड़पों और 16वें दौर की वार्ता के बाद भी चालबाज चीन अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है और एक के बाद एक भारत को उकसाने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों, भारत भी चीन की इस चाल को काफी अच्छी तरीके से समझता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही भारत और चीन के बीच 16वें दौर की बैठक खत्म हुई, उसके बाद से ही चीन की सीमा के नजदीक बहुत सी हरकतें देखने को मिली। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच एक खबर अरुणाचल प्रदेश से निकल कर आई। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 19 मजदूर अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमेरी जिले के डेमिन इलाके से पिछले 13 दिनों से गायब है। सोमवार को डेमिन में कुमेरी नदी में एक शव पाया गया था। कुरुंग कुमेरी के डिप्टी कमिश्नर निघी बेंगिया ने बताया कि श्रमिकों ने सड़क बनाने वाले ठेकेदार से ईद के लिए छुट्टी का आवेदन किया था, लेकिन अनुमति नहीं मिली थी। अब दोस्तों, इसके बाद ही यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं इसके पीछे चीन का हाथ तो नहीं, जिसके बाद जांच पड़ताल शुरू हो गई है। जिसके बाद डीसी ने अनुमान लगाया है कि मजदूरों ने जंगल के माध्यम से एक अलग रास्ता लिया होगा। असम पुलिस के साथ ही इस मामले में संपर्क किया जा रहा है। जिस जगह ये मजदूर काम कर रहे थे, वो जगह भारत चीन सीमा से करीब 200 किलोमीटर दूर है। जिसके बाद ये बात भी क्लियर हो गई कि एलएसी बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर होने के बावजूद चीन के द्वारा ये काम नहीं किया गया है, क्योंकि दोस्तों, अगर चीन कभी कभी जबरदस्ती घुसने की कोशिश भी करता है तो पहले तो उनको वहीं एलएसी बॉर्डर पर धर लिया जाता, जहां पिछले साल चीन के सैनिकों ने घुसने की कोशिश करी थी। तब भारत के सैनिकों ने तकरीबन चीन के 200 सैनिकों को हिरासत में लिया था, जिसके बाद कमांडर स्तर की मीटिंग हुई और फिर उनको छोड़ा गया था। दोस्तों, यह सबक चीन के लिए काफी था और यह चेतावनी थी कि अगली बार अगर घुसने की कोशिश करी तो वापस नहीं जा पाओगी। दोस्तों, गायब हुए लोगों के बारे में डीसी ने कहा कि डेमिन इलाके के सर्किल ऑफिसर और पुलिस टीम को साइट पर भेज दिया गया है। डीसी ने कहा, अधिकतर मजदूर मुस्लिम थे और अपने घर ईद मनाने के लिए 5 जुलाई को निकल गए थे। इन मजदूरों के नदी में डूबने की आशंका जताई जा रही है। आशंका है कि इन सभी मजदूरों ने कुमेरी नदी को पार करने की कोशिश की होगी और वे हादसे का शिकार हो गए। लगातार हो रही बारिश के कारण जलस्तर भी बढ़ा है और अभियान में भी मुश्किलें आ रही है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इन सभी मजदूरों को सीमा सड़क संगठन की ओर से अरुणाचल प्रदेश में चीनी सीमा के पास सड़क निर्माण के लिए लाया गया था। उन्हें ईद के दौरान असम में अपने घर जाना था। ठेकेदार से उन्होंने कई बार कहा था कि ईद मनाने के लिए छुट्टी दी जाए, लेकिन ठेकेदार नहीं माना तो ये सभी मजदूर पैदल ही असम के लिए निकल गए। जानकारी के मुताबिक ये मजदूर जंगलों में लापता हो गए। लेकिन दोस्तों, दूसरी खबर जो आई है, चीन की घुसपैठ का पर्दाफाश हुआ है। लेकिन चीन की इस घुसपैठ की यह कहानी अरुणाचल प्रदेश भूटान बॉर्डर से सामने आई है। यहाँ के डोकलाम में बीते दिनों चीनी घुसपैठ के बाद ड्रैगन की तरफ से गांव बसाने की जानकारी सामने आई है। अब इस मामले में नया खुलासा हुआ है। इस गांव को लेकर नई सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है, जिसमें इस नए गांव के प्रत्येक घर के पास पार्किंग तक का मजबूत आधारभूत ढांचा नजर आ रहा है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक नई सैटेलाइट तस्वीरों में चीन के डोकलाम के पास बसाए गए गांव में मजबूत आधारभूत ढांचा दिखाई दे रहा है। असम में चीन ने बीते वर्षों में यह गांव डोकलाम पहाड़ी से 9 किलोमीटर पूर्व में बसाया था, तो वहीं यहीं पर 2017 में भारतीय और चीनी सेना का सामना भी हुआ था। लेकिन मौजूदा समय में अब लगभग हर घर के दरवाजे पर कारें खड़ी दिखाई दे रही है। इस गांव को चीन ने पंगडा नाम दिया है, जो भूटान क्षेत्र में चीन की तरफ से बसाया गया है, जिसके बारे में दुनिया को 2021 में सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से जानकारी मिली थी। यह क्षेत्र भूटान की तेज बहाव वाली अमोचू नदी के किनारे है। दोस्तों, इस नई सैटेलाइट से संकेत मिलता है कि चीन अमोचू नदी घाटी में एक दूसरा गांव भी बसा रहा है, जो अब लगभग पूरा हो गया है। तो वहीं चीन ने दक्षिणी क्षेत्र में तीसरे गांव में चीन के सैनिकों के आवास निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इस तीसरे गांव के स्थल पर अमोचू के पार एक पुल का निर्माण किया गया है।
असल में वर्ष 2017 में भारतीय सैनिकों ने चीनी श्रमिकों को डोकलाम की इस रीज पर आने से रोक दिया था, जिसे झांपेरी कहा जाता है। अब एक चिंता यह है कि चीन इस गांव को आधार बनाकर उसी रीज के पास पहुंचकर पश्चिम में भारतीय रक्षा को दरकिनार करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, चीन का अमोचू नदी के पास बढ़ता निर्माण भारत की सीमा सुरक्षा के नजरिए से बेहद ही खतरनाक है। असल में इस क्षेत्र के माध्यम से चीनी सेना डोकलाम पठार के रणनीतिक रीज तक आसानी से पहुंच प्राप्त कर सकती है, जो चीनी सेना को भारत के संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक पहुंचने के लिए मददगार हो सकता है। यह कॉरिडोर देश के बाकी हिस्सों के साथ पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने वाली भूमि का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, चीन की इस हरकत के बाद फिर एक बार भारत ने एलएसी सीमा पर अपनी तैनाती बढ़ा दी है और डोकलाम से लेकर पेंगोंग तक भारत ने ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइलों की लाइन लगा दी है। दोस्तों, ये तो आप सब जानते ही हैं कि भारत का असम में भी एक एयरफोर्स बेस है और यहां पहले से ही कई ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात हैं। लेकिन दोस्तों, अब चीन के सबसे बेहतर लड़ाकू विमान चेंगदू J-20 को अब धूल चटाने के लिए भारत ने अपने सबसे भयंकर घातक लड़ाकू विमान एमका पर काम करना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, इसकी खबर कल हमारे सामने आई जब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के हेड आर माधवन ने इसका उद्घाटन किया और एमका विमान के लिए जो स्टील की बॉडी कटिंग होगी उसका डिजाइन देखा और टाइटेनियम मटेरियल में उस डिजाइन का मशीन के द्वारा कटिंग करी गई। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एमका तकरीबन 25 टन वजनी एयरक्राफ्ट होगा। दोस्तों, यह एमका एयरक्राफ्ट तकरीबन इंटरनल जो प्ले लोड लेकर चल सकता है वो तकरीबन 2000 केजी तक लेकर उड़ सकता है और एक्सटर्नल रूप से तकरीबन 6000 केजी लेकर उड़ सकता है। अब दोस्तों, यहां पर चीन को एक और झटका लगने वाला है, क्योंकि चीन के पास चेंगदू J-20 एयरक्राफ्ट तो है लेकिन वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट क्या होता है। तो दोस्तों, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट वो होते हैं जिनकी बॉडी ऐसे मटेरियल से बनी होती है और उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि जब वो हवा में उड़ते हैं तो वो एक तरह से अदृश्य हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अब दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चेंगदू J-20 विमान की स्पीड है और सब कुछ है, लेकिन वह बॉडी डिजाइन और मटेरियल नहीं जो उसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट विमान कह सके। अब दोस्तों, भारत एमका विमान को दो तरीके से बना रहा है। भारत का एक तरीका यह है कि जो एमका विमान होगा वे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा, जबकि दूसरा बिना स्टेल्थ तकनीक के होगा। अब दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दो तरह के एमका विमान बना रहा है। एमका मार्क 1 जिसमें GE-414 पावरफुल इंजन का इस्तेमाल होगा, वहीं दोस्तों एमका मार्क 2 जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा, इसमें बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंजन का इस्तेमाल होगा। अब दोस्तों, इसमें भारत और फ्रांस मिलकर साथ काम करेंगे, जिसमें भारत से DRDO और फ्रांस की कंपनी सेफ्रॉन मिलकर बहुत ही पावरफुल इंजन बनाने वाली है। अब दोस्तों, एमका लड़ाकू विमान को बनाने में हाल DRDO और भारत की कई प्राइवेट कंपनियां साथ में आ रही है जो कि मिलकर इस स्वदेशी निर्मित लड़ाकू विमान को बनाएंगी। अब दोस्तों, बात करें इसकी स्पीड की, तो जहां चीन के चेंगदू J-20 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, तो एमका की स्पीड 3000 किलोमीटर प्रति घंटा होने वाली है, जिसके मॉडल का विंड टनल में DRDO टेस्ट कर चुका है। तो दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत को जल्द से जल्द एमका विमान बनाकर चीन को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।